नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार डटे हुए हैं, किसान आंदोलन भी लगातार बड़ा ही होता जा रहा है। लेकिन इस बीच दो दिन से दिल्ली एनसीआर में हो रही सर्दी बारिश, इसने कितना किसानों को परेशान किया, किसान किस तरह से खा रहा है, किसान किस तरह से पी रहा है और किसान किस तरह से रातों यहाँ पर गुजार रहा है, इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए हम आ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर। रास्ते में आम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी हमने हाल जाना और यहाँ जो किसान आंदोलन है उस पर किसान किस तरह से अपनी रातें गुजर बसर कर रहा है, इसकी भी हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट ली। ये किसानों को जितने रोड पर बैठाए हैं ना, ये कुर्सी पर बैठाने का ही परिणाम है, क्योंकि बारिश जो हो रही है उससे सर्दी भी उतनी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे तमाम जो परेशानियां होती हैं वो भी बढ़ती चली जाती हैं। इनसे कितना सामना करना है? मोर्चा तो उतना ही कायम रहेगा, हम बड़े मजबूत हैं, बारिश में ही हम काम करते हैं, बर्फ गिर जाए। अभी हम लोग खड़े हैं तब भी बारिश हो रही है, ऐसे बारिश में एक रात गुजारना एक आम आदमी के लिए बड़ी परेशानी का सबब हो जाता है, आप उसको कैसे सामना कर रहे हैं? परेशानी तो है मगर परेशानी में हमारा काम भी किसानों का यही है, गन्ना छीलना, कटाई करनी, बारिश में ही रहना हमारा काम है। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान, इतनी तेज जो बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, बीते दो दिनों से बारिश हो रही है, उसके बाद इस तरह के टेंट जो हैं ये बारिश से बचाते हैं और इन टेंटों के अंदर यहाँ पर किसान जो है अपनी रात गुजार रहे हैं। ऐसे ये किसान भाई मेरे साथ हैं, ये बताइए ये जो टेंट है जिसमें आप हैं, क्योंकि मौसम सर्द हो गया है, दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, ये बताइए कुछ क्या परेशानियाँ आ रही हैं? इस टेंट में तो खैर इतनी परेशानी नहीं है क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, ये जो है पन्नी है, कितना भी पानी आएगा जहाँ डिस्क लेवल में आएगा तभी अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि ये ढालाना है, मतलब ये है जो रोड पर इतनी ढाल है कि पानी यहाँ रुकता नहीं है और ये ऊपर से भी पानी कितना भी बारिश हो इसके अंदर पानी नहीं आएगा। जो पीछे टेंट है जिसको त्रिपाल वगैरह, उसमें दिक्कत हुई थी, जो कल बारिश बहुत तेज़ हुई थी, आज तो कुछ इतनी दिक्कत नहीं हुई। बाकी जो हम लोग हैं, हमारा जो सिस्टम है, हम किसानी करते हैं तो हम बारिश भी होती है तो हमारा जो पैर है नंगे पाँव, हम उसमें पानी जब धान लगता है तो उस गारे में हम चलते फिरते हैं, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है बारिश कितनी भी बारिश हो। इस अच्छा, यहाँ पर जो तमाम जो और भी किसान मौजूद है सबके लिए टेंट की व्यवस्था है यहाँ पर? जी 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 जी। ये बताए बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास फ़ोन भी होगा, आपके पास और भी तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं, उनको चार्ज करने की कैसे, क्योंकि बारिश है पानी बहुत है और इसके अंदर फिर ये तार मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर तार जो ये निकल रहे हैं, ये करंट वरेंट की कोई समस्या डर नहीं है ऐसा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोग तो ये तुम्हारा बचपन से जैसे हम लोग काम करते हैं खेती में तो ये जुगाड़ तो हमारे पहले से ही तैयार है और हम लोग ऐसे कर लेते हैं, जैसे आप देखो ये टावर है, शाम को लाइट आती है इसमें जल्दी, हमने वहाँ से केबल लिया है और पूरी सेफ्टी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे टेंट के बाद ये एक बड़ा टेंट भी है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ कि ये एक बड़ा टेंट है, उससे ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर और भी कई मेरे किसान भाई जो है मेरे साथ मौजूद है। सर ये बताइए, बारिश जो है दो दिनों से कहर की तरह टूट पड़ी है, बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, इसके बीच में परेशानियां भी बढ़ी हैं, परेशानियां बढ़ने से कहीं ना कहीं जोश ठंडा तो नहीं होता ना सर? जोश तो बढ़ा है साहब, जोश ठंडा कहां से होगा, बरसात तो बहुत अच्छा हुआ कि हो गई सर, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो रही है, हर जगह से ओले गिरने की भी खबर आ रही है, तो इससे कितनी परेशानी आपको हो रही? कोई परेशानी जब खेतों में नहीं आती तो यहाँ क्या आएगी, वही हाल यहाँ है वही खेतों में, किसान को कोई दिक्कत नहीं इससे। बारिश तेज होती है तो इसमें क्या कैसी परेशानी आती है, बारिश की बूंद अंदर आने की कोई समस्या तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, बरसात की एक बूंद भी नहीं आती, देखो आप बढ़िया सूखा है। बरसात से परेशानियां तो आती हैं, हम तो चलो टेंट में बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं उधर तंबू लगा के, उन्हें भी बहुत परेशानियाँ होती हैं, परेशानी तो है ही इस चीज़ से, पर हम अपना आंदोलन छोड़ के नहीं जाएंगे, जो है हम इसे तहे दिल से निभाएंगे और जितना भी ये लंबा चलेगा हम इसके साथ ही चलेंगे और भी परेशानियाँ आएंगी तो वो भी हम झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 सैकड़ा से मतलब सैकड़ा से भी ऊपर यहाँ पर टेंट मौजूद है, तो ये व्यवस्था कैसे की जाती है कि आज किस टेंट में कौन रुकने वाला है, किस टेंट में अब कौन रुकेगा? ये हमारे में एक जैसे एक कमेटी बना रखी है एक जगह की, इसमें एक मेंबर होता है, उसमें उसने अपने आगे दो मेंबर रखे होते हैं, वो सारी लिखा पढ़ अपनी करता है किसको कौन सा कैंप देना है, जो जाता है वो बता के जाता है, वो फिर उसे नोटिस करके रखते हैं भी ये टेंट खाली है और आने वालों को पहले ही यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो ये बहुत लंबा है, अलग अलग मेंबर हैं जो इसे आगे के अपने गांव के। हाँ जी, एक जैसे कि कोई नया किसान भाई यहाँ पर आता है तो उसके लिए सब एक हैं, कोई नया नहीं है, सब किसान भाई हैं,
इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाई उधर बैठ रखे हैं जो पूरी व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि आगे भी टेंट खाली हैं और बहुत ही जिसको भी पता लगभग हम सबको पता है, हम भी उधर जाते हैं तो कोई हमसे पूछता है भी आपने कहाँ पर व्यवस्था है, तो व्यवस्था हमारी बनी हुई है, हम उन्हें साफ बताते हैं कि आप वहीं जाइए और ये व्यवस्था आपके लिए। क्योंकि कई किसानों की जो है वो ठंड की वजह से मौत भी हुई है, ये भी खबरें हैं, तो इससे क्या मतलब आपको गुस्सा आता है सरकार पर, इसको आप किस तरह से लेते हैं? गुस्सा तो जब मीडिया एक कोई फांसी ले लेता ना कलाकार, उसके लिए मीडिया बड़ी भौंकती है, बहुत भौंकती है, रात दिन टीवी को वो एक कलाकार मर गया, किसान कहाँ दर्द, रोटी खाते हैं नहीं है, किसान कान खाते हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर पर वो मंच है जहाँ से तमाम बड़े किसान नेता जो हैं वो भाषण देते हैं और आगे की रणनीति क्या रहेगी ये बाकी किसान भाइयों को बताया जाता है, इसी मंच से संबोधन दिए जाते हैं, जो बाहर से भी जो बड़े नेता आते हैं इसी मंच का इस्तेमाल करते हैं संबोधन देने के लिए। लेकिन दो दिन से लगातार हो रही इस बारिश के बीच जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये मंच बंद मिलता है। इस पर अगर हम किसी किसान नेता से बात कर सके, सर ये बताइए ये मंच जो है हमेशा एक गुलजार की तरह रहता है, आज इस मंच में तिरपाल पड़ी हुई है, बंद है, बारिश कारण है कि क्या समस्या है? बारिश का कारण नहीं है, बारिश के कारण तो कल बंद रखा गया था, आज यहाँ पास में गाजियाबाद में कोई कल हादसा हो गया था उसमें बहुत सारी मौतें हो गई थी, तो उनकी उनको संवेदना देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शोक व्यक्त किया गया था, इसीलिए मुरादनगर गाजियाबाद के मुरादनगर में जो लैंटर गिरने से जो 25 मौतें होती हैं उसके शोक के चलते बंद किया गया। जी उसके, क्योंकि वो भी एक हमारे ही समाज का हमारे ही भाई हैं तो बिल्कुल हमारे पास में था, तो इसीलिए जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये मंच जो है संचालन नहीं किया गया और 4 बजे आज उनको श्रद्धांजलि भी दी गई थी, 2 मिनट के लिए मौन रखा गया, सारे हमारे किसान भाई यहाँ मंच के सामने इकट्ठा हुए थे तो जो है उनको श्रद्धांजलि दी गई, इसीलिए ये मंच जो है बंद रखा गया और अन्यथा ऐसी कोई वजह नहीं है। हमारे किसान भाई यहाँ पर डटे हुए हैं लगातार, बारिश में भी आज भी हमारे बीच में बहुत सारे किसान भाई और आए हैं, इनका हौसले बुलंद है। बीते 2 दिनों से जिस तरीके से दिल्ली NCR में लगातार बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, बारिश से सर्दी भी बढ़ गई है, इससे क्या समस्याएं हैं? देखिए समस्या हमारे आज हमें अभी तक तो कोई महसूस नहीं हुई है, क्योंकि हम जो किसान हैं हम लोग जो है जन्म से ही बारिश में रहते हैं, बारिश में ही हम जो है पलते हैं, उसके बाद हम खेत में जाते हैं, बारिश में भी जाते हैं, रात में भी पानी लगाते हैं, तो पानी का तो हमारा जो है लगातार वास्ता रहता है। क्योंकि सर हमारे दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे थे हमारे पास, वो पूछ रहे थे कि किसान कैसे सो पा रहे हैं रातों में, रात भर बारिश हो रही है, इसमें किसान सो कैसे रहे हैं, सोने में क्या समस्याएं आ रही हैं और बाकी जितनी तमाम चीज़ें होती हैं उनको लेकर क्या परेशानियां हैं? देखिए सोने के लिए हमारी व्यवस्थाएँ जो है हमारा यहाँ का कमेटी है मैनेजमेंट है बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ कर रखी हैं, बहुत सारे इसमें लोग जो है सहयोग कर रहे हैं, किसान भाई हमारे घरों से बिस्तर लेके आ रहे हैं, तिरपालें लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े तंबू लगा दिए गए हैं, गद्दे लेके आ रहे हैं, तो सोने में कोई हम लोगों को समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी नहीं नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आंदोलन में यहाँ पर 1000 से लेकर लाखों की संख्या मौजूद है, व्यवस्था कैसे की जाती है, कैसे व्यवस्थित ढंग से इसको बनाया जाता है कि हर किसान जो है कोई किसान खुले में ना रह जाए, कोई किसान खुले में ना सोने को मजबूर हो जाए, इस पर कैसे व्यवस्थाएँ जो हैं उसको एक अमली जामा पहनाया जाता है? देखिए इसके लिए टेंट बहुत हमारे प्रोवाइड किए गए, लगवाए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके लिए, ना बारिश हो भी रही है तो पानी की कोई समस्या नहीं, पानी की निकासी है, तो टेंट हमारे बहुत लगे हुए, बिस्तर गद्दे चदरे वगैरह कंबल वगैरह बहुत प्रोवाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ तमाम किसान जो थे मौजूद थे, उन्होंने हमको बताया कि किस तरीके की जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं, हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उससे समस्याएं नहीं है, दरअसल इन समस्याओं को भी वो एक पॉजिटिव एंगल में ले रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये समस्याएं जितनी ज़्यादा आती रहेंगी उतना ही वो लोग मजबूत निकलते रहेंगे, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर जो उनकी मांग है वापस लिए जाने तक वो यहाँ डटे रहेंगे, वो यहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कैमरामैन सरताज के साथ मैं काविन चौहान, गाजीपुर बॉर्डर से, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए।